हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सॉफ्टवेयर शहरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए बेंगलुरु बना नंबर एक शहर। एशिया की लिस्ट में 4 भारतीय शहर शामिल हैं। तकनीक से जुड़े कारोबारी संचालन की शुरुआत या विस्तार के लिए बेंगलुरु एशिया में सबसे अच्छा शहर है। यह बात प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोलियर्स इंटरनेशनल ने कही। कंसल्टेंट कंपनी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट टॉप लोकेशन इन एशिया टेक्नोलॉजी सेक्टर में एशिया के विकसित और उभरते बाजारों को 16 शहरों की पड़ताल की है। इसने सामाजिक, आर्थिक, प्रॉपर्टी और मानवीय पहलू जैसे करीब 50 पैमानों पर इन शहरों को कसकर यह समझने की कोशिश की है कि तकनीक हब के रूप में यह शहर कितने योग्य हैं। 16 शहरों में हैदराबाद को 7वां, मुंबई को 10वां और दिल्ली NCR को 11वां रैंक मिला। कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एशिया में तकनीक कार्यों की शुरुआत या विस्तार करने के लिए बेंगलुरु, सिंगापुर और जेजेन सर्वोत्तम विकल्प है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाने वाले बेंगलुरु को तकनीक कार्यालय खोलने वालों के लिए एशिया के नंबर 1 एक विकल्प में चुना गया है। बेंगलुरु को सर्वाधिक पसंद किए जाने की मुख्य वजह इसकी सामाजिक आर्थिक ताकत है, जिसकी वजह से एशिया में इसकी विकास दर सबसे तेज रहने की उम्मीद है। इसकी औसत सालाना GDP विकास दर 2022 तक 9.6% का अनुमान है। इस शहर को व्यापक और गहरे अनुभव वाले प्रतिभा भंडार का भी स्वाभाविक लाभ मिलता है। कोलियर्स इंटरनेशनल इंडिया के प्रबंधक निदेशक जो वर्गीज ने कहा कि बेंगलुरु में जनसंख्या के लिहाज से देश में सर्वाधिक उच्च शिक्षण स्थान है, जिनकी IT सेक्टर के लिए रोजगार परकता 24% है। तकनीक स्टार्टअप के लिए एक प्राकृतिक हब के तौर पर बेंगलुरु में सर्वाधिक स्टार्टअप निवेश हुआ है, जो पिछले 3 सालों में सालाना औसत $4 अरब है। सर्वोत्तम कार्यालय परिसर में दूसरे स्थान पर है। वर्गीज ने कहा है कि यदि ग्रेड ए कार्यालय परिसर की बात करें तो एशिया में टोक्यो के बाद इसकी सर्वाधिक उपलब्धता बेंगलुरु में है। इसके साथ ही कम नियोक्ता लागत होने पर जीवन यापन खर्च के लिहाज से सबसे सस्ते 10 शहरों में शुमार होने से भी बेंगलुरु की लोकप्रियता को लाभ मिलता है। बेंगलुरु को 68% अंक मिले। यह देश का सबसे बड़ा कार्यालय बाजार है, जहां ग्रेड ए कार्यालय परिसर की उपलब्धता 14.1 करोड़ वर्ग फुट है। इस आधार पर बेंगलुरु एशिया में टोक्यो के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहरी कार्यालय बाजार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस शहर के तकनीक कार्यों के लिए कार्यालय की खोज करने वालों के लिए बेंगलुरु में काफी स्थान उपलब्ध है। हाल के वर्षों में भारत में कार्यालय परिसर की खपत में IT सेक्टर का योगदान 60-70% रहा है। हालांकि अन्य सेक्टरों से मांग बढ़ने के कारण यह अनुपात घट गया है। हैदराबाद को 59 अंकों के साथ 7वां रैंक मिला है। इस शहर में विकास की संभावना भारत के अन्य शहरों जैसी ही है, लेकिन सामाजिक आर्थिक पैमानों पर यह कुछ पीछे है और प्रतिभा भंडार में इसकी बेंगलुरु से आसानी नहीं है। कर की दर और जीवन यापन का खर्च हालांकि हैदराबाद में कम है और मानवीय पैमाने पर यह देश के कई अन्य शहरों से बेहतर है। सामाजिक और आर्थिक पैमाने पर भी बेंगलुरु आगे है। कोलियस ने कहा है कि अधिक लंबे समय तक उच्च विकास दर की संभावना के कारण सामाजिक और आर्थिक पैमाने पर भी बेंगलुरु आगे है। कार्यालय परिसर की भी बेंगलुरु में काफी उपलब्धता है। इस शहर में कर्मचारी लागत कम होने और किराया कम होने से नियोक्ता लागत भी कम है। इसके साथ ही जीवन यापन का खर्च कम होने के कारण इसे मानवीय पैमाने पर भी इसे ऊंचा अंक मिला है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।